अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म, और ये देखोगे इस चैप्टर में ये वाला पार्ट जो मैग्नेट लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इस चैप्टर में मैग्नेट से रिलेशन है। जिस मैग्नेट को आप लोग कह सकते हो चाइल्डहुड से ही उसके साथ खेलते आए हो या वो अट्रैक्ट करते आया है, तो बेसिकली मैग्नेट से बात वही समझ में आती है कि ऐसा कोई मटेरियल है, कोई चुंबक जो कि आप देखते हो कि किसी लोहे से सटाया गया। हालांकि ये नहीं कह सकते कि वो मैग्नेट हर मेटल से चिपक जाता है, वो वही मैग्नेट एल्यूमिनियम से नहीं चिपकता है। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मतलब मैग्नेट होता क्या है या वो मैग्नेट क्यों आयरन से ही चिपक रहा है, एल्युमिनियम से क्यों नहीं चिपक रहा। तो ये सारी बातें तो होंगी आगे, मतलब एक चैप्टर आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस चैप्टर में वो सारी बातें होंगी। यहाँ पे क्या है, तो अभी तक जो हम लोग स्टडी किए इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बातें थी। इलेक्ट्रॉन या बोलो तो चार्ज रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन में आ गया, फ्लो करने लगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब शुरुआत में ये माना जाता था कि ये मैग्नेट और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आइडिया भी लोगों को काफ़ी पहले से था, और मैग्नेट तो कह सकते हो कि बहुत पहले खोजा ही गया था, लेकिन शुरुआत में साइंटिस्ट इसे रिलेट नहीं कर पाए। ये समझते रहे कि मैग्नेट कुछ अलग मटेरियल है, अलग स्टफ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। पहली बार कह सकते हो कि एक साइंटिस्ट ओस्टेड ने, जिन्हें हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, फर्स्ट टाइम ओस्टेड ने ये बताया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही बातें हैं, मतलब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। और ये कह सकते हो कि ये करीब 1820 की बात है। 1820 में, मतलब इस ईयर से काफ़ी पहले से करंट के बारे में भी लोगों को आइडिया था कुछ, और मैग्नेट के बारे में तो और पहले से आइडिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम 1820 में ओस्टेड ने ये रिलेशन समझाया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ है, जो बाद में आगे चल करके मैक्सवेल ने तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई। और मैग्नेट कह सकते हो कि करीब 30-40 साल और लगा जब मैक्सवेल ने पूरा डिटेल खोल के रख दिया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बातें हैं, आपस में कैसे रिलेटेड हैं, वो सारी बातें समझाया। अच्छा, ओस्टेड ने, ऐसा नहीं कि ओस्टेड कुछ इस तरीके का कोशिश कर रहे थे या उनके दिमाग में था कि करंट और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, वो ऐसा सोच के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे।
ऑस्टेड कह सकते हो एक टीचर ही थे, वो अपने स्टूडेंट को कुछ लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे, करंट का डेमोन्स्ट्रेशन, और लकली वहां पे मैग्नेटिक कंपास भी रखा हुआ था, वही मैग्नेटिक कंपास जिससे बहुत पहले जो डायरेक्शन पता करने के काम में आता था। आज भी आप एक कोई मैग्नेट को अगर ऐसे सस्पेंड करते हो फ्रीली तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक जाता है। तो ऑस्टेड कर रहे थे कोई और एक्सपेरिमेंट, और उस दौरान वो करंट एक वायर में फ्लो कर रहा था उनके एक्सपेरिमेंट में, और वहीं पास में टेबल पे एक मैग्नेटिक कंपास भी रखा हुआ था। तो इन्होंने क्या देखा कि जब कभी भी जैसे करंट स्विच को ऑन किया, करंट वायर में फ्लो किया, तो देखे कि जब जैसे ही करंट आया वायर में, वो मैग्नेटिक कंपास जो है उसमें डिफ्लेक्शन आया। उन्हें लगा कि ये क्या है, मतलब कुछ भूकंप के कारण ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास क्यों हिला। वही जब करंट को ऑफ किए तो मैग्नेटिक कंपास फिर से डिस्टर्ब हुआ। तब उनका इंटरेस्ट आया कि देखें ये मैग्नेटिक कंपास कैसे अफेक्टेड हो रहा है इस करंट के कारण। तो बार बार उसी तरीके से वो आगे पीछे कभी करंट को बढ़ा के देखें कि मैग्नेटिक कंपास पे क्या इफेक्ट आ रहा है, या मैग्नेटिक कंपास को पास लाए, दूर ले जाए, इस तरीके से। तो ये सब करके ये श्योर हो गया ऑस्टेड के द्वारा कि करंट के कारण मैग्नेट अफेक्टेड हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब उन्हें ये लगा कि करंट कहीं अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा, लेकिन ये किसी मैथमेटिकल रिलेशन तक नहीं पहुंच पाए ऑस्टेड, क्योंकि वैसे भी ये कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये तो लकली एक कह सकते हो कि नजर आ गया इनको कि कुछ ऐसा है। तो इन्होंने किस रिजल्ट तक पहुंचे ये फाइनली कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक कंपास को अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाते हो तो जितना पास लाते हो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता है, दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन घटता है, और अगर मैग्नेटिक कंपास को फिक्स रखो, स्थिर रखो, तो इसमें अगर करंट को बढ़ाते हो तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन्होंने दिए कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट के कारण भी, और करंट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के जितना पास आओगे उतना ज्यादा फील्ड मिलेगा। तो ठीक है, जितनी बातें इन्होंने ऑब्जर्व की ऑस्टेड ने उसे हम लोग मेंशन करें। तो जैसा मैंने कहा कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो एक करंट कैरिंग वायर अगर ये है तो इस वायर के पास कोई अगर मैग्नेटिक कंपास होगा जैसे भी, तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। तो मेंशन कर दें ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को दैट एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पहली बात तो इन्हें लगा कि इसका इफेक्ट है,
the deflection in magnetic compass increases as the distance between current and compass decreases. जैसे जैसे डिस्टेंस को घटाओगे मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखा गया कि और बढ़ रहा है, साथ साथ ये इस कंक्लूजन पे भी पहुंचे दैट एज द करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन इन कंपास in magnetic compass also increases. जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है. लेकिन ये इस मैथमेटिकल कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. करंट कैरिंग वायर अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसका कैलकुलेशन अलग साइंटिस्ट ने किया बायोट सेवर्ट ने, और बायोट सेवर्ट ने फर्स्ट टाइम ये एक रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड एक करंट प्रोड्यूस कर सकता है अपने आसपास के रीजन में. तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे या कह सकते हो कि उस रिजल्ट को जानेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो इसे हम लोग जानते हैं बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग और बायोट सेवर्ट ने फर्स्ट टाइम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कही. ये देखोगे ये लॉ काफी मिलता जुलता है कूलम्स लॉ से. और ये मैं बता दूं कि ये जो मैग्नेटिज्म में हम लोग आगे जानेंगे तो जिस तरीके से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेनली दो लॉज पर बेस्ड थी, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ, तो उसी तरीके से ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हम लोग देखेंगे कि ये भी दो लॉज पर बेस्ड होगा, एक बायोट सेवर्ट लॉ और दूसरा हम लोग जानेंगे एम्पियर्स लॉ. तो बायोट सेवर्ट और एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे सारी बातें होंगी. और जिस तरीके से वहां हम लोग वहां पे कूलम्ब ने किसी चार्ज पार्टिकल के कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन समझाया था उसके लिए लॉ दिया था, बायोट सेवर्ट भी उसी तरीके से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है. आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आया था जो कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कोई स्फीयर पे चार्ज हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो गया था गॉस लॉ से. उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो एम्पियर्स लॉ करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जैसे कहीं पे बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण
मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का काम आसान कर देता है एम्पियर्स लॉ। लेकिन पहले बात बायोट सेवर्ट लॉ की होगी, और बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? तो बायोट सेवर्ट लॉ के लिए समझे, मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा और बायोट सेवर्ट ने कहा कि हम लोग एक करंट एलिमेंट ले लें यहां पे, करंट एलिमेंट। ऑब्वियसली ये करंट एलिमेंट से मतलब है कि एक बहुत ही छोटा पार्ट करंट का है। दिखने के लिए मैंने बड़ा सेक्शन लिया है, लेकिन करंट एलिमेंट मतलब बहुत ही छोटा पार्ट करंट का। जिस तरीके से आप पॉइंट चार्ज को समझो, जिस पॉइंट चार्ज का मतलब कि उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, उसी तरीके से करंट एलिमेंट का मतलब कि बहुत छोटा टुकड़ा है करंट का। तो इस बहुत छोटे करंट एलिमेंट की बात करो तो करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब करंट एलिमेंट बोलोगे, आईडीएल से इसे डिनोट करेंगे, तो ये करंट एलिमेंट, ये जो है वो करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर? तो जिधर लेंथ है उधर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। तो एक करंट एलिमेंट अब समझ के चलना है कि है क्या करंट एलिमेंट। तो करंट और ये लेंथ। अब इस करंट एलिमेंट के कारण किसी डिस्टेंस आर पे, जैसे यहां से इस एलिमेंट का वैसे भी साइज बहुत छोटा है, तो उससे किसी डिस्टेंस आर पे चलो, तो इस डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट है पी मान लो। तो इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताया बायोट सेवर्ट ने। बायोट सेवर्ट ने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताया। अच्छा, साथ में इस एंगल को भी मान लो, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये आर भी एक वेक्टर ही ले लो। तो ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल ई था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल बी होगा। तो छोटा एलिमेंट के कारण बहुत ही छोटा मैग्नेटिक फील्ड, तो उस छोटे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे डीबी से। ये डीबी एक बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। और इस डीबी को कह सकते हो कि अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बायोट सेवर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट एलिमेंट के कारण क्या होगा। तो यहाँ इस लॉ के बारे में मेंशन कर दें, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट विच इज डी बी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग पहले बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सिमिलरिटी देखोगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, तो KQ/R² टाइप का है। मैग्नेटिक फील्ड भी जो करंट एलिमेंट के कारण बताया गया बायोट सेवर्ट के
लॉ के अकॉर्डिंग कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ये करंट एलिमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये तो होना भी चाहिए। ये बात तो ऑस्टेड ने भी कही कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। उसके अलावा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर करो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ऑस्टेड ने ये तो बता दिया था कि यहाँ डिस्टेंस बढ़ने से ये जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो घटेगी, लेकिन बायोट सेवेट ने कहा कि नहीं, वो मतलब सिर्फ घटता ही नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में घटता है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और क्या, तो अब अगर करंट एलिमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन ये एंगल अलग कर दो इधर उधर कहीं पे, तो इस एंगल के प्रोपोर्शनल है, एंगल के साइन थीटा के, एंगल के साइन थीटा के। मतलब ये समझ लो कि अगर दूरी वही है इससे, लेकिन अगर हम लोग इस एंगल को 90 डिग्री ले जाएं, तो साइन थीटा साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब इसे एक करंट एलिमेंट मान सकते हो, मान लो ये बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ है dl। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई उधर गया या कोई इधर गया तो किसी एंगल पे, ये dl का डायरेक्शन और ये r का डायरेक्शन, ये अगर एंगल 90 से कम है तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उसी डिस्टेंस पे बढ़ेगा, और अगर 90 डिग्री पे सीधे चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा वही 0 डिग्री पर मान लो ये करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड हम इसके ठीक ऊपर यहाँ निकाल रहे हैं, ये तो r जो हो गया, ये तो dl और r के बीच एंगल 0 हो गया, तो यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मतलब करंट एलिमेंट के ठीक सामने आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट का 0 होगा वहां पे। हाँ, इसके परपेंडिकुलर किसी उसी डिस्टेंस पे आओ तो मैक्सिमम होगा। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन बायोट सेवर्ट ने देखा और इस पूरे रिजल्ट का एक साथ कलेक्टिवली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन सबों को, तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी will be proportional to magnitude of ideal और ऊपर ही है sin theta और नीचे है r square। ये समझिए collectively, और इस proportionality constant याद करो, जैसे वहां पे एक k था वैसे k की इन डिटेल वैल्यू थी 1/4πε0। यहाँ भी इस dB का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आएगा, वो आया μ0/4π। एक नया सिंबल समझते हैं इसको, बाकी तो वो सब रहेगा ही। आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। वैसे तो ये पूरा का पूरा रिलेशन ही बायोट सेवर्ट लॉ है, किसी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन में ये म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक एप्सिलॉन नॉट था, वैसा ही ये म्यू नॉट भी है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है और इस म्यू नॉट को बोलेंगे हियर, म्यू नॉट की बात करो तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट बराबर, या अभी वैल्यू लिखा जाएगा इन डिटेल, हियर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी
ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहां जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट टर्म है। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट भी ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है ना। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में भी एक रिलेशन है, लेकिन उस रिलेशन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल ये मान के चलो कि एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू वाइज लिख सकते हो कि ऑल्सो दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस पूरे की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस पूरे की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस सेवन। इस पूरे की वैल्यू 10 टू द, जैसे वहां पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, यहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू, अगर सिर्फ म्यू नॉट पूछा जाएगा तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई × 10⁻⁷। लेकिन ये म्यू नॉट यूनिटलेस नहीं है, म्यू नॉट की यूनिट है। क्या यूनिट है समझो, तो यूनिट वाइज इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला भी एक साइंटिस्ट, टी से डिनोट करते हैं, टेस्ला भी साइंटिस्ट है, ये क्लास 10 में भी पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। अच्छा, एक और यूनिट है सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, वो है गॉस, मतलब समझ सकते हो कि गॉस भी मैग्नेटिज्म में काम किए थे कुछ, गॉस लॉ भी है मैग्नेटिज्म के लिए, आगे हम लोग वो सब समझेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, एसआई यूनिट। तो ये हुआ टेस्ला, इधर से मीटर स्क्वायर है, ऊपर डीएल मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हुआ, एम्पियर भी आएगा, तो जो यूनिट डायमेंशन लिखने का तरीका है वही लगा रहे हम लोग। तो ये आ जाएगा टेस्ला, और क्या आएगा मीटर, और क्या आएगा पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। तो इस तरीके से इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू रखेंगे। अब ये समझ लो कि ये एक फॉर्मूला है, जैसे एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, सेम एक करंट एलिमेंट के कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया एम्पियर्स लॉ ने, सॉरी बायोट सेवर्ट लॉ ने। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। यह तो हमने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दी। अब इसी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म इस फॉर्मूले का देखते हैं, इसे नोट करिए। तो उसी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म की बात जब कर लो, तो वेक्टरली डिनोट करने का जो तरीका है, डीबी को अब वेक्टर मैग्नीट्यूड हटा दो। अब ये समझो, यह आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो आर है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट पी का, ये आर भी एक वेक्टर है। तो आईडीएल एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर, ऐसा यहां पे लिख दो आईडीएल करंट एलिमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड
along the direction of current. ये जो ideal vector है, current element जो vector है, इस current element का direction उधर ही है जिधर current है. जैसे ये मान लो current element है, इसमें current flow कर रहा, तो इसका direction किधर? तो इसका direction जिधर current जा रहा है उधर की तरफ. अगर यही current मान लो नीचे आ रहा होता तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन नीचे लेते. तो करंट वैसे स्केलर है लेकिन करंट के पास डायरेक्शन होता है, तो करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन उधर ही है जिधर की करंट का डायरेक्शन है. अब इस डीबी वेक्टर की बात करो तो वेक्टरली इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टरली इसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई फोर पाई. ये तो चलो कांस्टेंट का पार्ट था, है ना. और अब इस ऊपर वाले पार्ट को देखो तो आईडीएल और आर के बीच का ये एंगल थीटा है. साइन थीटा याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है, कॉस थीटा जहां डॉट प्रोडक्ट में आता है. तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना चाहिए? तो इस आईडीएल का और आर का, इसी के बीच का तो एंगल थीटा है. तो यहां ऊपर अब ये होगा आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर. आईडीएल ये वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. नीचे में क्या? तो ऊपर में तो चलो साइन थीटा इसी में आ गया लेकिन आर एक एक्स्ट्रा आएगा. इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे? आईडीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा. जबकि यहाँ आर तो ऊपर नहीं है, नीचे आर स्क्वायर है, तो अभी हमें नीचे करना चाहिए आर क्यूब. उसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे. लेकिन वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब कि अब डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन अब देखो पहली बार अब इस क्लास 12 में क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया. तो क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में हम लोग देखे थे कि जब रोटेशन चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे तब आया था. यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट अब आ गया. क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपल डायरेक्शन की बात करो तो जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब पहला वेक्टर ए से दूसरे वेक्टर बी की तरफ ऐसे कर दो ए क्रॉस बी. थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है. एक वेक्टर से दूसरी वेक्टर की तरफ राइट हैंड स्क्रू रूल. तो यहाँ डीबी का डायरेक्शन उसी राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जाएगा. कैसे? तो पहला वेक्टर है आईडीएल, दूसरा वेक्टर है आर. तो राइट हैंड पहले वेक्टर की तरफ, आईडीएल की तरफ है फोर फिंगर्स, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम, आर की तरफ आइडियल क्रॉस आर थंब जो अंदर गया. मतलब इसे आइडियल क्रॉस आर इधर जाना है तो थंब यहाँ पे अंदर जा रहा. मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ. ये क्रॉस और डॉट, ये जो दो सिंबल यूज होगा, ये क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन जो भी सरफेस होगा, और इस डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन. मतलब ये समझ लो कि अपना जो पेपर होता है जिसपे हम लोग लिखते हैं कॉपी पे, वो एक टू डायमेंशनल सरफेस है, या बोर्ड भी है तो एक टू डायमेंशनल सरफेस. तो इस सरफेस के कह सकते हो कि इधर मान लो एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया, तो इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ऐसे अंदर बाहर जेड एक्सिस है. तो वही अगर कोई डायरेक्शन इनटू द प्लेन आए तो क्रॉस से सिंबल करेंगे, और आउट ऑफ द प्लेन आएगा तो डॉट से सिंबल दिखाएंगे. तो अब इस डीबी का डायरेक्शन तो क्रॉस प्रोडक्ट में वही है, पहले वेक्टर की तरफ फोर फिंगर्स, दूसरा वेक्टर पाम, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर थंब जो दे दिया वो ए क्रॉस बी दे दिया. तो यहां पे डायरेक्शन आई क्रॉस आर थंब चला गया अंदर, है ना.
अच्छा मैग्नेटिज्म में देखोगे तो कई अब फॉर्मूले आने वाले हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, और क्लास 10 लेवल तक जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की जब बात होती है तो वहां हम लोग फ्लेमिंग रूल्स लगाते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, है ना। करंट पे फोर्स के लिए एक रूल है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए रूल है, वो इस तरीके से अपना इस्तेमाल करते हैं दोनों। अब उस चक्कर में नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहां पर अब हम लोग सीधे जो है हर किसी के लिए राइट हैंड से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो बस वही करना है यहां पे, पहला वेक्टर आइडियल, दूसरा वेक्टर आर, आइडियल क्रॉस आर, थंब चला गया अंदर। तो अब क्या है कि यहां तक की बात हो गई कि एक करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट का पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, ये हमें बायोट सेवर्ट ने बता दिया। लेकिन काम यहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो एक एलिमेंट नहीं, मान लो पूरा का पूरा करंट कैरिंग वायर मिल जाए तो उसके कारण तो ऑब्वियस सी बात है कि एक छोटे टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हर टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर और जोड़ देंगे, बोलो तो इंटीग्रेट कर देंगे, समेशन ही बहुत बड़ा समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है, तो उस पूरे करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो अब उसी पे चलते हैं, तो नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक कोई वायर को कंसीडर करो, मान लो ये एक कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और ये स्ट्रेट वायर कोई करंट आई कैरी कर रहा, और इस वायर से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे ये कोई पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो और कुछ जानकारी इसमें चाहिए कि ये वायर कितना लेंथ का है, तो इस वायर का लेंथ ना दे करके जो फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो उस फॉर्मूले में हम लोग ऊपर का जो एंड है वो एंड कोई एंगल बना रहा है ऊपर में,
से अल्फा एंगल, और उसी तरीके से ये एंड नीचे वाला ये बना रहा बीटा एंगल, अल्फा और बीटा एंगल, है ना। कैलकुलेशन तो बस उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए जो रिजल्ट आएगा वो फॉर्मूला याद रखना है। अब ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप करेगा, तो चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बायोट सेवर्ट ने हमें सिर्फ एक छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है, तो वही काम करेंगे। मान लो कि इसमें एक कोई एलिमेंट चूज किया जाए, और ऐसा कर लो कि करंट को तो इधर दिखा दिए, और इस रेफरेंस से कोई वाई डिस्टेंस पर करंट एलिमेंट जिसका लेंथ डी वाई है ना, तो ये एलिमेंट यहाँ पे ये वाई जो डिस्टेंस है वो मान लो यहाँ से कोई एंगल थीटा पे लिया गया, और ये एलिमेंट एक स्मॉल एंगल एक छोटा सा एंगल ये वाला डी थीटा बना रहा है ना, डी थीटा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को ऐसा कर लो, इसे आर भी रख सकते हो, चलो ठीक है। अब समझते अपने पास जो बायोट सेवर्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग, तो कंसिडरिंग अ करंट एलिमेंट आई डी वाई, या डी वाई लेंथ वाला जो है, ऑफ द स्ट्रेट वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी, उसे डीबी से डिनोट करें, है ना। तो फॉर्मूले को रख दो, ये है म्यू नोट बाई फोर पाई पहली बात, उसके बाद आई डी वाई जो फॉर्मूला था आई डी वाई, उसके बाद क्या था साइन थीटा था। अच्छा, साइन थीटा मतलब कि याद करो तो ये जो अपना करंट एलिमेंट है आई डी वाई, और ये कोई पॉइंट पी है, उसी डायग्राम का वो पार्ट जो है मैंने इधर ऐसे बना दिया, तो हमने थीटा इस एंगल को लिया है, जबकि एंगल तो ये वाला चाहिए, है ना, क्योंकि ये आई डी वाई और ये डिस्टेंस आर। बायोट सेवर्ट के रिजल्ट को याद करो, तो आई डी वाई और ये डिस्टेंस आर, यही वाला ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको फाई नाम दे देते, इस एंगल को फाई नाम दे दी। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिख पाएंगे म्यू नॉट फोर पाई आई डी वाई साइन फाई डिवाइडेड बाई,
ये डिस्टेंस हमने चलो आर मान लिया है, डिस्टेंस तो ये वाला चाहिए एक्स, एक्स स्क्वायर लिख दिया। समझो कैसे लिखा गया है, जैसे ये एलिमेंट लिया गया, इस एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है और डिस्टेंस जहां फील्ड निकालना वो ये है, तो इस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, ये वाला डिस्टेंस यहां से इस डिस्टेंस को, है ना। तो फॉर्मूले में क्या था, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी वाई इंटू साइन फाई, जो ये आर के साथ, ये आर के बदले एक्स लिए हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर नीचे डिस्टेंस। यहाँ पे देखो उसी डायग्राम में मैंने बना दिया, ये वाला आर है, ये वाला एक्स है और ये वाला वाई लेंथ है और वो करंट एलिमेंट है आई डी वाई, ठीक है। अब जरा सोचो कि इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अगर टोटल देखेंगे सारे एलिमेंट के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें। जैसे नीचे वाला ये एलिमेंट लिया तो इसका डायरेक्शन इधर आइडियल और आर उधर, तो आइडियल क्रॉस आर देखोगे थंब जो है अंदर ही जा रहा है, यहाँ पे भी यहाँ का एलिमेंट ले लो आइडियल आर उधर ही है तो आइडियल क्रॉस आर थंब अंदर गया, ऊपर यहाँ लोगे एलिमेंट आइडियल आर उधर ही जा रहा, ऐसे बंद करोगे अंगूठा अंदर ही जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट ले लो आइडियल और आर उधर है अंगूठा बंद ये करोगे अंगूठा अंदर ही जाएगा। मतलब कोई भी पार्ट ले लें इसका और उस पार्ट के कारण आइडियल के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखें और क्रॉस आर आर पाम उधर रखें तो ये बंद करने पर अंगूठा अंदर ही जा रहा, मतलब इसके हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही है। मतलब अगर सारे के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, तो जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उन सारे वेक्टर्स के सीधे सीधे मैग्नीट्यूड को जोड़ दो। वेक्टर का फॉर्मूला तो तब लगाना पड़ेगा जब अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर हो, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तब तो वेक्टर को जोड़ने के लिए आप स्केलर की तरह मैग्नीट्यूड जोड़ देते हो, तो यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। हमने देख लिया कि हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, तो हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने चलोगे तो देख लो, ये एलिमेंट अगर अलग अलग लिया जाए तो अलग अलग एलिमेंट के लिए y अलग होगा, x अलग होगा, थीटा अलग होगा, फाई अलग होगा। अब इतने सारे वेरिएबल में तो इंटीग्रेशन नहीं होता, इसमें फाई भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो अब बात यह होगी कि सारे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो ये रिजल्ट अपने पास साइड में लिखे हैं क्या, तो ऐसा कर लो पहले थीटा और फाई को रिलेट कर दो, तो यहाँ पर कह सकते हो इस कंडीशन में इसको इक्वेशन वन ले लो, उसके बाद यहाँ पे हियर ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 प्लस थीटा, सिंपल ज्योमेट्री है, पाई जो हो जाएगा पाई बाई टू प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा ऊपर वाला 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये टोटल जोड़ के 180 आना चाहिए इधर, है ना। और एक सबको थीटा में ले आते हैं क्योंकि थीटा का ही तो हमें वेरिएशन पता है कि थीटा यहाँ पे थीटा जीरो है इस लाइन पर, उसके नीचे बीटा है, उसके ऊपर अल्फा है, सबको थीटा के टर्म्स में लाएंगे, फाई को थीटा के टर्म्स में और आर तो वैसे दिया ही है, वाई और एक्स को थीटा के टर्म्स में। तो पहले हम लोग लिख दें क्या, तो एक्स को क्या लिख सकते हो थीटा के टर्म्स में,
x इक्वल्स टू आर सेक थीटा, एक्स आर को सिंपल ट्रायंगल रूल से, और y को थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, तो टैन थीटा आएगा y बाई आर, तो y को लिख सकते हो r टैन थीटा। अच्छा, हमें जो यहाँ रखना पड़ेगा dy रखना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, r कांस्टेंट है, टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद करो sec स्क्वायर थीटा, और dy बाई डी थीटा जो नीचे था वो डी थीटा इधर ले आए, है ना। ये सारा कैलकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसमें y भी है, phi भी है, x भी है। तो अब ये सब करने के बाद अब फिर से चल लो इक्वेशन वन पे, तो ऐसा करते हैं कि यहां पे हेंस फ्रॉम इक्वेशन वन डीबी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, देखो म्यू नॉट बाई फोर पाई तो रहेगा ही और आई भी रहेगा, डीवाई को लिखने जा रहे हैं यहां से आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, अच्छा साइन फाइव भी है जी, साइन फाइव भी है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है आप, फ्रॉम इक्वेशन वन db equals to mu naught by 4 pi और ऊपर में i dy की वैल्यू r sec square theta d theta और sin phi मतलब sin 90 plus theta डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो अब ये इंटीग्रेशन पहले तो लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब देखिए कितना आसान हुआ है, सेक स्क्वायर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, मतलब ये डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई और नीचे में आर एक बचेगा, एक आर कैंसिल होगा, आई भी रहेगा ऊपर में, और क्या रह जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो फाइनली ये डीबी समझ सकते हो ये कितना सिंपल फॉर्म में आ गया। अब अगर इस डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब टर्म तो कांस्टेंट है, बस इसी टर्म को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, अब उसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। इधर के सेक्शन को सबको नोट कर लो पहले, अब क्या लिखा जाएगा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एलिमेंट विल बी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एट P, therefore,
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी बी इक्वल्स टू उस डी बी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट का डायरेक्शन सेम था और डीबी में जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है वो बाहर ले लो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर, और अंदर में थीटा वेरिएबल है कॉस थीटा डी थीटा। अब ये थीटा का लिमिट कैसे रखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि इस रेफरेंस लाइन पर थीटा जीरो है, तो एक सेंस में ऊपर का थीटा निगेटिव सॉरी पॉजिटिव ले हो तो उससे नीचे का थीटा निगेटिव ले लो। तो हमें तो पूरा यहां से यहां तक का फील्ड चाहिए, तो यहां जीरो एंगल है, नीचे इधर माइनस बीटा से लेकर के प्लस अल्फा, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये अल्फा माइनस बीटा आगे इस लिमिट को रख दोगे फोर पाई आर और साइन अल्फा, जब माइनस साइन माइनस बीटा करेंगे साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब साइन माइनस बीटा लोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा और ये साइन बीटा आ गया, है ना। तो अब इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट का एक रिजल्ट की तरह आ गया। नोट कर लो इसे।